यार पूर्व वीडियो रे आमे कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वेश्चन पेपर रो गोटे क्वेश्चन सॉल्व करी सारीचे जहाँ कि हमरा पावर पॉइंट रो गोटे क्वेश्चन थिला। आज वीडियो रे आमे ट्राए करिबा एमएस वर्ड रो क्वेश्चन को सॉल्व करिबा एवं एमएस एक्सेल रो क्वेश्चन सॉल्व करिबा। तो चलंतु स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करी केमिति क्वेश्चन आसी थाय ताकु सॉल्व करिबा। जे माने आगो वीडियो देखी नहंती निश्चिंत भावे आगो वीडियो टी को जाई देखि नेबे। ता सह आमर प्लेलिस्ट रही प्लेलिस्ट रे सब प्रकार वीडियो ऑलरेडी अपलोड होई सही सब कु फॉलो करके निजे मध्य प्रैक्टिस करी पारिबे। समस्त को गोटे जिनस कहिबी एमएस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट सहित एमएस एक्सेस को मध्य टिके लेखा समस्ते प्रैक्टिस करिबे कारण एमएस एक्सेस रे बेसिक क्वेश्चन आसीबो जहा कि आमे समाधान करबा को पड़िबो। तो चलो तो स्टार्ट करि देबा दुई नंबर क्वेश्चन बा क्वेश्चन बी जहा कि आमर एमएस वर्ड रे रहिछि आमको 20 मार्क मिलिबो। इंस्ट्रक्शन देची रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट यूजिंग एमएस वर्ड माने एमएस वर्ड ओपन करके टेक्स्ट टाइप करिबा। फॉन्ट टाइप रहिबो ताहुमा एज पर द फॉर्मेट एंड गाइडलाइंस गिवन बिलो जेमति देथबो सेमति गाइडलाइंस रे करिबा। एटी कहिची चारोटी फॉन्ट साइज रहिबो गोटे रहिबो 10 पॉइंट 11 पॉइंट 12 पॉइंट 20 पॉइंट एही परि भाबरे रहिबो। ठीक अछि नोट ऑल टेक्स्ट इन फॉन्ट टाइप ऑफ ताहुमा ताहुमा रो सबु रहिबो एटा इंपोर्टेंट नोट देची इंस्ट्रक्शन को पढिबे। alignment of each paragraph is to be done as given jemiti deichi semti kariba okay paragraph to be type according to instruction ei bolia kariba kahichi ta sah gatakali ame question discuss karitile je pratyek page ro right side top ku amara kon rahibo rule number rahibo name rahibo powerpoint re heu kimba excel re heu powerpoint word re hebaku kahichi next amara excel re kon kari pariba header dei pariba first question achi insert a text box फॉन्ट साइज 20 एलाइनमेंट सेंटर एटा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करिबा फॉन्ट साइज 20 रखिबा एलाइनमेंट सेंटर करिबा एतिकी टाइप करिबा। सेकंड आसी फॉन्ट साइज 12 रखिबा सिंगल लाइन स्पेसिंग केवल गोटे रखिबा 1 रे रखिबा एलाइनमेंट जस्टिफाई याको आमे जस्टिफाई एलाइनमेंट करिबा। देखो एटी सेंटर थिला एटी जस्टिफाई अछि सेंटर पई शॉर्टकट की होची कंट्रोल ई जस्टिफाई पई कंट्रोल जे। नेक्स्ट आसुची फॉन्ट साइज 10 रखिबा सिंगल लाइन स्पेसिंग रखिबा एलाइनमेंट लेफ्ट रखिबा कंट्रोल एल। पुणी आउ गोटे अच्छी 11 नंबर पॉइंट रखिबा यही सब टाइप करिबा डबल लाइन स्पेसिंग को डबल करिबा एलाइनमेंट राइट करिबा एति काम आम करदे आमको केते मार्क मिलिबो 20 मार्क। आउ गोटे अच्छी फॉन्ट साइज 12 रहिबो सिंगल लाइन स्पेसिंग रहिबो सेंटर रहिबो आ सबुर फॉन्ट ताहुमा बा ताहुमा रे रहिबो। ठीक अच्छे ओके इनसर्ट पेज नंबर एट बॉटम ऑफ पेज एज गिवन पैराग्राफ एमती गोटे पेज नंबर इनसर्ट करवा पेज वन ऑफ वन एति करदे 20 मार्क मिल। तो चलो तो स्टार्ट करवा ये मुझे टाइप करी मुझे कॉपी करदेवि बाकी आपण मैंने समस्ते टाइप करके प्राक्टिस करेंगे कारण टाइप आमको अभ्यास दरकार आ टाइपिंग कले जेहेतु कौन हो बेस टाइम टेकिंग कर टाइप न करी कॉपी करी प्रथम स्टार्ट बटन क्लिक कले वर्ड ये सर्च कले मन रखिए आम जो स्किल टेस्ट हे लेटेस्ट भर्जन रे हम मैंने पुराणा भर्जन आसुनी जमती कि 2007 आसुनी प्राक्टिस करूँ 2007 सहित 2010, 2013, 2016, 2019 जो थी प्राक्टिस करूँ कारण सब लेटेस्ट भर्जन एवं आसूसी सब सिस्टम मानक लेटेस्ट भर्जन विंडो पड़ू आम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कले एवं प्रथम काम है फंड को आम चेंज करदे। ठीक अच्छे फंड को आम टी एच ओके ताहुमा करदे फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा इनसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स आम गोटे कौन करवा टेक्स्ट बॉक्स इनसर्ट करवा आम लिखा तो मुझे एक्चुअली कॉपी को नौ टाइप करेंगे तो प्रथम गले इनसर्ट को तापर जावा टेक्स्ट बॉक्स को देखो टेक्स्ट बॉक्स अच्छी क्लिक करके आम कौन करवा ड्रैग मैंने ड्र करवा गोटे ड्र निजे ड्र कर इनसर्ट टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करे ये आसीगला कि ड्र भी अच्छी जहाँ चाहिए ताहा करें तो आम ड्र कले सुविधा हम ये आम क्लिक कले भी हम आम ड्र करवा ड्र कले ये आसीगला देखता या आम एम बड़ करदे टी या भितर जहाँ लेखा कही लिखीदे पैक करदे क्वेश्चन आमको कही फंड सैज 20 एलाइनमेंट सेन्टर रोल्ड रथम सेन्टर एलाइन करदे कंट्रोल ई प्रेस करी ना होम बटन रे एठू भी आम कर जूम करदे है ताकु बोल्ड करिबा कंट्रोल बी फंड सब चेक करेंगे फंड एठी रहिबो ता होमा एंटर कर देले फंड साइज रहिबो 20 बस हेगला हमरो
फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गला। नेक्स्ट बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को कही सब टाइप करवा फंट सैज 12 लाइन स्पेसिंग सिंगल जस्टिफाए रही कॉपी करदेली ये काम करवा लास्ट को लास्ट को करवा तो मुझे पेस्ट करदेली ठीक अच्छे किंतु टिके हमें स्पेसिंग देदे एंटर देदेली टिके पेस्ट कर देले पेस्ट कला पर स्टेट पर कौन गोटे अच्छे स्टेट गारोड अच्छे ठीक अच्छे तो या कम है प्रथम ताहुमा रखा सिलेक्ट करदे ताहुमा टाइप करदे फंट साइज के ना 12 कही फंट साइज आम ये आसिकी 12 सिलेक्ट करदे पुणी कौन कही ना सिंगल लाइन स्पेसिंग और जस्टिफाए रही लाइन स्पेसिंग देखो ये जो दे एठी जो लाइन स्पेसिंग देखिए सिंगल करवा मैंने एक रे रखा सिंगल लाइन स्पेसिंग ठीक अच्छे जस्टिफाए करवा ये अच्छे जस्टिफाए ना कंट्रोल जे प्रेस कले जस्टिफाए होगा अटोमेटिकापर जमी कही सेमती करवा ना बोल्ड करवा स्टेट्स पर्यंत गोटे बोल्ड करवा स्टेट्स एति की आम कौन करवा प्रथम बोल्ड करवा कंट्रोल बी ऑल द स्टेट्स जाए तो ये स्टेट्स को भी सिलेक्ट करवा बोल्ड करदे सेकेंडरी केउठारे बोल्ड अच्छी ना द स्टेट लेवल रु स्ट्रक्चर जाए द स्टेट लेवल रु आमर स्ट्रक्चर जाए बोल्ड करदे होगा देखो डिटो क्वेश्चन बोली आम टाइप होगा फंट साइज आम देदे जस्टिफाए करदे सरगला नेक्स्ट जीवा थर्ड पाराग्राफ यही पाराग्राफ को कॉपी करदे मुझे कॉपी कर नौ टाइप करेंगे ये फंट साइज 10 सिंगल लाइन स्पेसिंग रो कौन रमें इनसर्ट करदे बोल्ड को हटेदे पेस्ट करदे फंट साइज के 10 सिंगल लाइन स्पेसिंग लेफ्ट अलाइनमेंट सिलेक्ट करदे फंट साइज को 10 रखिले फंट रहा सब मन रखिए लेफ्ट अलाइन लेफ्ट आम अलाइन क्लिक करदे ठीकला। नेक्स्ट आम जहाँ अंडरलाइन कही सर्च एच रु लास्ट पर्यंत अंडरलाइन और बोल्ड करवा तो यूँ मुझे सिलेक्ट करी केमी सिलेक्ट कली ना कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डाउन बटन प्रेस करदे होगा कंट्रोल बी कंट्रोल यू होगा पुणी गोटे क्वेश्चन सल्व होगा आमर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ये कही फंट साइज 11 प्रथम कॉपी कर नहीं जाऊँ कॉपी कर नेली एटी प्रथम पेस्ट कर देली सिलेक्ट करदे सब कु फंट ताहुमा टाइप कर देली फंट साइज 11 ठीक अच्छे अलाइनमेंट कौन राइट अलाइनमेंट आम राइट अलाइनमेंट रखीदे कंट्रोल आर भी प्रेस कर पार तासह गोटे पॉइंट रही डबल लाइन स्पेसिंग एटिक आसवा लाइन स्पेसिंग एटी अच्छे यहाँ हूँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यहाँ हूँ लाइन स्पेसिंग डबल करवा मैंने दुई रे रखा लाइन स्पेसिंग दुई डबल होगा ठीक अच्छे तापर आम कौन कही बोल्ड इटालिक जोटा कही करवा तो बाय ए सिस्टम रु मैनुफैक्चरर्स पर्यंत इटालिक करदे तो चलतु बाय ए सिस्टम एठार कंट्रोल आई होगा काम सरगला। नेक्स्ट पढ़वा आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी लास्ट क्वेश्चन या को हमें कॉपी कर नेले एटा कहि छी कोनो ना 12 रे रहबो सिंगल लाइन स्पेसिंग रहबो सेंटर रहबो ठीक अछि तो प्रथमे याकु बोल्ड इटालिक चेंज करिकि एंती रखि देले पेस्ट कर देले देखंतु लाइन स्पेसिंग एठी एबे भी अछि प्रथमे फॉन्ट चेंज करले ताहुमा फंट साइज 12 ओके लाइन स्पेसिंग कौन कही सिंगल लाइन स्पेसिंग 1 रखिले ये जहाँ कही थोड़ी करवा अलाइनमेंट सेंटर रखा कंट्रोल ई प्रेस कर पारा ना सेंटर को भी क्लिक कर पारा सेंटर अलाइन होगलापर कौन कही खाली आम बोल्ड इटालिक करवा वाइल रु लिस्ट पर्यंत बोल्ड एंड इटालिक वाइल रु लिस्ट पर्यंत ओके स्टेट लिस्ट ना ठीक अच्छे कंट्रोल बी बोल्ड कंट्रोल आई इटालिक ओके होगा आमर काम सरगला। नेक्स्ट अच्छी आउ गोटे कही इनसर्ट पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ द पेज पेज नंबर इनसर्ट करवा बॉटम रे पेज बॉटम रे बॉटम कहले ये आसू टिके जूम आउट करवा शीघ्र डिस्कस कले आम नेक्स्ट क्वेश्चन सल्व करवा केमती करवा ना ये चलत गोटे जिनस इनसर्ट को गले फुटर को जी ठीक अच्छे
आमर फुटर फुटर भी आम इनसर्ट कर ना गोटे जिनस अच्छी आम कौन कर देखु इनसर्ट फुटर जो अच्छी थ्री कलम्स एटारे सिलेक्ट कले ये जो टाइप हेयर आम कौन कर पेज डेस्क अफ डेस्क पेज वन अफ वे इनसर्ट पेज नंबर को जी देखते पेज नंबर रे बॉटम ऑफ पेज जो दे बहुत गुड़ाए सैंपल दे था बहुत गुड़ाए सैंपल दे था ये ना नहीं बहुत गुड़ाए तो यू आम टेम्पलेट को सर्च करवा पेज वन अफ वन टू अफ टू जो अच्छी देखो ये अच्छी पेज वन अफ वन अफ वन ये बोल्ड नंबर सेन्टर दे बोल्ड नंबर टू पेज एक्स अफ वाई ऑटोमेटिक नंबर लिखी देने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन तापर लिखिबे नेम पेज नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट गत वीडियो रे डिस्कस कर गोटे गार देवा क्वेश्चन जमी कही था बी नंबर टैक्स एमती लिखिकी सेव कर सर्टकट जानी तीन नंबर क्वेश्चन कहते एक्सेल कोड़े मार्क मिले स्टेप मार्किंग मन रखिए आउ लास्ट को सेमाने प्रिंट आउट करती ना प्रिंट आउट करने को भी देते क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन टा कही सब डाटा को आम एंट्री करवा जो थारे कि एम एस एक्सेल रो काम करवा फंट कैलिब्री फंट कैलिब्री फंट साइज ट्वेल्व पीटी बार पॉइंट फंट साइज बोथ कलम हेडिंग एंड टेक्स्ट सबूपाई बार पीटी रखा कही तो यह गोटे काम करवा क्वेश्चन कही रिप्रोड्यूस द हेडिंग ऑफ ईच कॉलम एज मेंशन अबव ए भलिया करबा हमें हेडिंग हेडिंग को बोल्ड करबा कैलकुलेट टोटल ऑफ पी एंड क्यू पी और क्यू रो टोटल एठी कैलकुलेट करबा एवरेज ऑफ पी और क्यू करबा डिफरेंस क्यू और पी बाहर करबा तीनटी काम गला ई नंबर पॉइंट कहिछि इनसर्ट ए कॉलम चार्ट हमें गोटे कॉलम चार्ट करबा 2D 2D क्लस्टर कॉलम आगो को डिस्कस करबा कॉलम 1 रो 3 सिलेक्ट करिके हमें ए भलिया गोटे इनसर्ट करबा लास्ट क्वेश्चन कही सेट द व्यू ऑफ एमएस एक्सेल सीट एच पेज ब्रिक प्रीव्यू करिबा ए फोर रे रखिबा ओरिएंटेशन लैंडस्केप करिबा तो चलो तो डिस्कस करिबा स्टेप बाय स्टेप प्रथम एक्सेल ओपन कले स्टार्ट बटन ई एक्स सी ई एल एल हमर ओपन हो गेला ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक कले आमर एमती गोटे एक्सेल सीट ओपन है एवं आम कम रहा आम केतटा कलम करवा ना एक दुई तीन चार पाँच छ छा कलम रो एक दुई तीन चार पाँच पांचटा रो तो चलतु छटी कलम एक दुई तीन चार पाँच छ एफ पर्यंत आम कलम ने भितर कम करवा आ रो जहाँ देम करवा तो ठीक अच्छे चलतु मुझे कॉपी करने को ट्राए करुँ डाटा एंट्री करने जमी टाइम न लगे देखा हो ना नहीं कॉपी कर नली पेस्ट ना गोटे रे आसुची तो चलतु ताकु टाइप करने को पड़ तो टाइप कले फास्ट ये फंड ओके प्रथम कथा है कंट्रोल ए कले फंड कैलिब्री रही है बार पॉइंट रही है तो आम ये बार पॉइंट सिलेक्ट करदे होगा टाइप करवा प्रथम कौन रही मोबाइल बिल पी क्यू मोबाइल बिल पी
क्यू तापर देखिए ये सब जिनस देखु आउ गोटे जिनस जो मोबाइल बिल देखिए ये सब सेन्टर रंट्रोल ए आग को करवा चलतु प्रथम टाइप करदे सब सेन्टर एलाइन री क्यू टोटाल लिखा पी क्यू लिखा टोटाल पी प्लस क्यू तापर आसूँ एवरेज पी प्लस क्यू तापर गोटे अच्छी कौन डिफरेंस पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी गला ये एवरेज पी एंड क्यू अच्छी तो चलते पी एंड क्यू लिखले ठीकला एबे टिके एलाइन करवा एलाइन मैंने बड़ सान जोटा अच्छे हमें आम हिसाब से रो कलम को एडजस्ट करवा यहपर भाव में एडजस्ट कर पार ठीकला एडजस्ट हो गला सबू आम जिते सब आसब सब सेन्टर एलाइन हम तो ये सेन्टर अच्छे देखते तुम ये सेन्टर को क्लिक करदे ठीकला तापर कही हेडिंग को बोल्ड करने को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करदे बोल्ड हो गला पुणी एंट्री करवा ना सन डॉटर मदर फादर ओके सन डॉटर मदर फादर तापर जहाँ डाटा देखिए एंट्री करवा पंद्रह ये मुझे एंट्री कर दूसरी आगे बढ़िया ना टाइम टेकिंग कर ओके डाटा एंट्री हो गला देखो टोटाल डाटा आम एंट्री करदे एवं आम क्वेश्चन को सॉल्व करवा प्रथम कही हेडिंग जोटा कही आम हेडिंग कर सारीचे हेडिंग को बोल्ड कही कर सारे एवं बी नंबर क्वेश्चन को जीवा कैलकुलेट टोटल पी एंड क्यू पी आउ क्यूरो टोटल करवा बहुत इजी इक्वल प्रेस करदे सम प्रेस कले भी हम ना इजी प्रोसेस जोटा अच्छे आम मैथमेटिक्स या सिलेक्ट कले प्लस चिन्ह दे या सिलेक्ट कले एंटर करदे ऑटोमेटिक टोटल आसीगला ये भी करेंगे ना ये सम भी कर देखते इक्वल एस यू एम सम ब्रैकेट स्टार एठारू एठिक पर्यंत ब्रैकेट एंड एंटर ठीक है या मैं ऑटो फिल करदे एम ड्रा कर सबू सेल ऑटोमेटिक काउंट हो गला नेक्स्ट आसूँ एवरेज बाहर करवा एवरेज फॉर्मूला जानते इक्वल टू ए भि ई आर ए जी ई एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट ना आमर कहार एवरेज बाहर करवा पी एवं क्यू पी ठार क्यू ब्रैकेट एंड एंटर एवरेज पड़ा या ड्राग करके फिल करदे डिफरेंस बाहर करवा डिफरेंस कौन ना इक्वल टू कर डिफरेंस माने किसी ना क्यू माइनस पी ये क्यू माइनस पी तो क्यू ठार सिलेक्ट कले माइनस चिन्ह दे पी को सिलेक्ट कले एंटर करदे ये आम डिफरेन्स आसीगला ड्राग करदे ऑटोमेटिक आसीगला डिफरेन्स बास हो गला एति की अच्छी हमर फॉर्मूला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ई नंबर कही टेबुल तले बिलो द टेबुल आम टू डी क्लस्टर गोटे कलम चार्ट इनसर्ट करवा भाया सन डॉटर मदर फादर मोबाइल बी हेडिंग दबा केमती करवा ना चलतु आम प्रथम कौन कले सिलेक्ट कले एक दुई आम एति सिलेक्ट करवा बुझी एति सिलेक्ट करवा एक नंबर कलम दुई नंबर कलम तीन नंबर कलम ये मन रखिए कंट्रोल ए करके भूल हम इनसर्ट को जीवा ये बहुत गुड़े चार्ट देखा तो ये आम क्लिक करवा जो एरो मार्क अच्छे सी ऑल चार्ट क्लिक कले ऑल चार्ट को क्लिक कले ये आमको कही क्लस्टर्ड कलम टू डी देखो ये देखेदेला ऑटोमेटिक आम जान जाऊे प्रथम आसूँ एटा गोटे चार्ट टाइटल अच्छी यहाँ गोटे अच्छी तो प्रथमटा इजी क्वेश्चन देखेदेला भी या सिलेक्ट करवा यहाँ हो थ्री डी करवानी आमर टू डी क्लस्टर करवा लिखुची क्लस्टर कलम उपर गले टू डी ओके क्लिक करदे या तले रखा ना टेबुल तले रुहतु या टोटाल सिलेक्ट कले टेबुल तले ठीक आणले तले आसला आम चार्ट टाइटल आम कौन लिखा मोबाइल बिल होगा देखु क्वेश्चन भाया है ना ना ये चेक करदे सन डॉटर मदर फादर पंद्रह सौ दुई हजार पखापाखी अच्छी देखते पंद्रह सौ दुई हजार हो गला आम चाहिए कलर चेंज कर पारा एक्यूरेट जदि चाहिए सेमती कले भी हम ना कलर चेंज न कले भी हम ये अच्छी सिलेक्ट करदे ये एडिट ऑप्शन अच्छी चार्ट स्टाइल जो अच्छे आम चेंज कर पारा कलर को क्लिक कले ये जो कलर अच्छी देखो आम चाहिए जमी कलर चाहिए सेमती कर पारा ये है तो ऑटोमेटिक देखा जो कलर चाहिए आम से ही कलर ये चेंज कर पारा ठीक अच्छे ओके जहाँ थी डिफॉल्ट रो सही क्वेश्चन आम सेम था नेक्स्ट बढ़िया चलतु
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही एप्टा कही पेज ब्रिक प्रिव्यू करवा प्रथम ओरिएंटेशन पेज लेआउट को क्लिक कले ओरिएंटेशन को लैंडस्केप क्लिक करवा साइज करवा ए फोर को लेटर अच्छी आम ए फोर करवा व्यू को जाकि आम पेज ब्रिक प्रिव्यू करवा व्यू को गले एटी प्रथम नॉर्मल अच्छे सेकेंड अच्छे पेज ब्रिक प्रिव्यू क्लिक कले तो आमर गोटे एमतिया प्रिव्यू आसला देखिपे जूम करदे देखु पेज ब्रिक प्रिव्यू जो थे कि ऊपर डाटा रहा तले या रहा कि गोटे क्वेश्चन ये आसूस सर ये स्ट्रोक कले क्वेश्चन जेहतु प्रिंट्रे स्ट्रोक देखे तो आम प्रिंट्रे स्ट्रोक करवा ना स्ट्रोक कर न था तो चलतु प्रथम यही सब कुछ सिलेक्ट कले होम को आसिले ये बोर्डर अच्छी अल बोर्डर रखिदेले अल बोर्डर हो गला एमर क्वेश्चन भाया सेम देखाला लास्ट जिनस रहा आउ गोटे जहाँकि आम करना कौन ना उपरे देख ये नेम आउ रोल नंबर सबुरी रखा कही स्टार्टिंग रू नेम आउ रोल नंबर ये जमी तो कमी करवा एक्सेल को गले व्यू को गले नॉर्मल व्यू क्लिक कले एठी मोर ऊपर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इनसर्ट क्लिक करवा गोटे रो आसला पुणी क्लिक करके इनसर्ट क्लिक करवा दुईटा रो इनसर्ट होगा ये आम बर्तमान लिखा नेम रोल नंबर तो चलत प्रथम टाक मर्ज करदे मर्च न करी लिखिले भी हम जेहेतु प्रिंट आसबनी एट गार तो नेम लिखिले प्रथम रोल नंबर ना ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 नेक्स्ट जीवा नेम ठीक गला एबे चलन तो व्यू रे चेक करबा व्यू पेज ब्रिक प्रीव्यू ठीक गला देखन तो हला तो एई परि भाबरे आमे टास्क कंप्लीट करले एई बोलिया क्वेश्चन आसीबो प्रैक्टिस करंतु एवं फॉलो करंतु जदि चाहू चंती हमर स्किल टेस्ट क्वेश्चन पेपर निजे डाउनलोड करके प्रिंट करके प्रैक्टिस करबा को ताहले वीडियो तले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जाई परचेज करि पारिबे याकु सेव करबा फाइल सेव एज फोल्डर भितर रखिबा डेस्कटॉप 1 2 3 4 जो अछि आम कौन करवा प्रथम रोल नंबर देवा ई नंबर क्वेश्चन सेगला आशा करूँ निश्चिंत भाव हेल्पफुल रही थी किसी कमेंट थे कमेंट करेंगे किसी नुआ फर्मूला जानते कमेंट करेंगे ओके थैंक यू।